पुणे के टैक्सी स्टैंड एतियाना बस स्टैंड के समीप की रहने वाली ज्योति सिंह ने पति रमन सिंह के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया एसपी से कार्रवाई के लिए शिकायत की है। ज्योति सिंह के मुताबिक पति रमन सिंह एवं ससुराल पक्ष के सभी लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि उसके पति का चरित्र ठीक नहीं है और एक महिला कर्मचारी से उनका विशेष संबंध है, जिसके कारण उनके पारिवारिक जीवन में परेशानी हो रही है। रमन सिंह विद्युत विभाग में क्लर्क के पद पर काम करते हैं और उनकी तैनाती पूर्णिया के नगर प्रखंड में है। मेरा नाम ज्योति सिंह है, इसमें वर्तमान समय में कानपुर में रहते हैं। मेरा बिहार पूर्णिया में चित्रवाणी टैक्सी स्टैंड इतियाना गैरेज, वहाँ पे मेरा ससुराल है अजय सिंह है, उनकी हम बहू हैं। मेरी शादी 2012 में 24 जून को हुई थी रमन कुमार सिंह से। मतलब 2-4 महीने तो ठीक था पति के प्रति, सास ससुर का तो उस समय से ही रवैया बहुत ज़्यादा बेकार था और वो लोग दहेज के लिए उस समय से भी मुझे काफ़ी परेशान किया करते थे और ना ही मेरे मायके वालों से मुझे बात किया करने देते थे, कभी भी नहीं। एक वर्ष तक ना ही मैंने अपने पिताजी से बात किया, ना माँ से बात किया, वो लोग किस तरह हैं, किस परिस्थिति में हैं, ना ही उनकी सूचना मुझे मिलती थी, ना ही मेरी सूचना उनको मिलती थी। और फिर एक वर्ष बाद मेरी एक बेटी हुई, बेटी के बाद मेरे साथ और भी अत्याचार होने लगा। बेटी के जन्म के बाद मुझे दुर्भाग्यशाली माना गया और मुझे और भी ज़्यादा मारा जाता था। मुझे मेरे प्लस मेरी बेटी के साथ भी अत्याचार किया जाता था कि वो एक बेटी है, मैंने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद मेरे पति का नाजायज संबंध बन गया, वो कंटिन्यू मॉर्निंग में 7 बजे उस लेडीज़ के घर चले जाएंगे, रात को 9 बजे वहाँ से वापस आएंगे। पत्नी है, बच्ची है, उससे कोई मतलब ना ही मुझे एक रुपए का खर्च पति से मिलता था, ना ही सास ससुर से मिलता। मेरा सारा खर्च मेरे माँ बाप ही उठाते थे। फिर भी है किसी तरह हम समय अपना काट रहे थे कि आज नहीं कल नहीं परसों मेरे प्रति परिवर्तन हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके में परिवर्तन नहीं आया। माँ ने एक बार मुझे मारपीट के और रूम में बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात ये लोग ने 2-4 दिन तक मुझे खाना पीना भी नहीं दिया। फिर किसी तरह से मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके हमने एसपी कार्यालय में कॉल किया। वहाँ से खान जानती थाने से यहाँ की पुलिस गई और वहाँ से उन लोग ने बंद ताले से मुझे आज़ाद कराया। हमने केस किया है जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, इनका वारंट भी कट चुका है, ना ही ये 1 वर्ष हो गया मेरे केस को फाइल हुए, लेकिन 1 वर्ष में ये लोग ने एक बार भी वहाँ पे गए नहीं है। बिजली विभाग में कहाँ पे? के नगर में है। क्या किस पद पे है? क्लर्क है, एसडीओ के हैं, सहायक क्लर्क हैं। क्या नाम है? रमन कुमार सिंह। सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को ये फिर से अपने पास लें, या तो मेरे अगर जो हमने केस किया है यू उसमें हाजिर हो, ना ही ये मेरे केस में ही जाते हैं, ना ही मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। आखिर इस तरह जीवन कैसे मेरा कटेगा, मेरे साथ न्याय हो।